कि सत्तरी सेनानी चाही समर सलोभर दीस, चुड़ामण मेले सियान इंधन मेले शीस। सत्तरी सेनानी चाही उस छत्राणी से निशानी चाही थी समर सलोम्बर दीस, युद्ध में जाते हुए सलोम्बर के सामंत ने। चुड़ामण मेले सियान माता सीता ने तो कंगन दिए थे, इंधन मेल्यो शीस, इसने तो शीस ही काट कर दे दियो। दोस्तों, हमारे राजस्थान के अजमेर जिले के एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी पहले रूपनगढ़। रूपनगढ़ का एक ऐसा प्रकरण जो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है और हम सभी हिंदुस्तान वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए एक गौरव का परिचायक भी है, तो उसी का आज जिक्र इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले भैया, जो भी दोस्त वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार पहले, और शेयर सभी कर दो, शेयर तो सभी कर दो। ओके, वीडियो को पूरा जरूर देखना हिंदुस्तानी होने के नाते, और जो भी इंडियन लवर्स है वीडियो को लाइक कर दो भैया पहले। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 16वीं शताब्दी के करीब अंत की बात है। उस वक्त रूपनगढ़ का जो राजा था वो था रूप सिंह। रूपनगढ़ का राजा कौन था? रूप सिंह था। रूप सिंह की बेटी है, उसका नाम था चारुमती। रूप सिंह की बेटी का नाम क्या था? चारुमती। तो एक बार चारुमती अपने महलों में इसी प्रकार से बैठी हुई थी, आराम से हंस रही थी, खिलखिला रही थी। राजकुमारियों के तो भैया ठाठ थे, यही काम थे। तो उसे अपने महलों के बाहर क्या होता है, एक बूढ़ी औरत पोस्टर बेचने के लिए आई हुई थी। उसकी आवाज़ें जब उसके कानों में पड़ी तो वो बैठी बैठी बोर हो रही थी पहले, तो उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए थी, चाड़ूनी करनी थी, किसी को परेशान करना था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस बूढ़ी औरत को अंदर बुलाया और उसको बोला भी, दिखा पोस्टर कौन कौन से है तेरे पास। तो वो पोस्टर देखने लग जाती है, तो बहुत सारे पोस्टर वो खरीदती है। जब काफ़ी पोस्टर वो खरीद लेती है तो बूढ़ी औरत बोलती है कि राजकुमारी, जब तुम इतने पोस्टर खरीद ही रही हो तो एक पोस्टर और खरीद लो, जो कि स्पेशली मैंने आपके लिए लेकर आई है, है ना। अब आपको तो बताइए यार, उसको तो बेचने थे तो वो तो ज्ञान तो देगी ना कुछ ना कुछ। राजकुमारी ने बोला, अच्छा दिखा कौन सा पोस्टर स्पेशली तू लेकर आई है। उसने देखा तो एक बड़ा सा पोस्टर वो निकालती है और उसके ऊपर एक राजा की तस्वीर बनी हुई थी। चारुमती बोलती है, ये किसके राजा की, या फिर किस राजा की ये तस्वीर है। तो बूढ़ी औरत आश्चर्य के साथ बोलती है कि यार, इस राजा को नहीं जानकर तो अपराध करती है इस राजकुमारी ने। उस प्रकार से वो बोलती है कि आप इसको नहीं जानती, ये मुगलिया सल्तनत के बादशाह हिंदुस्तान के सुल्तान औरंगजेब की तस्वीर है जहाँ पना की। चारुमती बोलती है, अच्छा ये है औरंगजेब, है ना। तो वो क्या करती है कि चलो पहले तो पैसे देती है उस बूढ़ी औरत को सभी तस्वीरों के, और उसके बाद बोलती है कि तू 5-6 मिनट रुक जा बस, तेरे को भी और भी कुछ देना मेरे को। बूढ़ी तो बोलती है, ठीक है रुक जाती हूँ, मेरा क्या जाता है। चारुमती अपनी सभी सहेलियों को बुलाती और बोलती कि सभी की सभी अपने जूते उतारो और जूते उतार के इस तस्वीर के ऊपर मारो। अब सारी की सारी सहेलियाँ और वो क्या करती है, उसके ऊपर जूते मारती। अब जूते मारेंगी तो क्या होगा साहब, तस्वीर फट गई, उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। चारुमती उस चितड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को वापस इकट्ठा करती और इकट्ठा करके उस बूढ़ी औरत को देती हुई कहती है कि ले जा इस तस्वीर के टुकड़ों को और बोल देना चारुमती ने इसको फाड़ा है, और गालियां भी दी है। दरअसल वो बूढ़ी औरत दिल्ली से आई थी, तो वापस दिल्ली जाती है। दिल्ली जाकर पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो औरंगजेब को सुनाती है कि देखो साहब, ये है कोई राजकुमारी है चारुमती, उसने आपकी तस्वीर की ये हालत की और क्या क्या गालियाँ दी, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती। औरंगजेब ने बोला, अच्छा ये बात है। उसने तुरंत क्या किया, रूपनगढ़ जो है उसका डिटेल निकलवाया पूरा, उसकी राजकुमारी कौन है, राजा कौन है और कैसा क्या मैटर है, पूरी की पूरी उसने डिटेल्स निकाली। और उसके बाद तुरंत रूपनगढ़ मैसेज भिजवाया कि साहब मैं इस तारीख को क्या शादी करने के लिए आ रहा हूँ चारुमती से। अब रूपनगढ़ वालों की इतनी मजाल कि वो औरंगजेब को मना कर दे, यार किसी की इतनी मजाल नहीं थी उस वक्त, वो एक छोटी सी रियासत थी और औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान का बादशाह। तो रूपनगढ़ वालों ने भी बोल दिया कि साहब जब भी आओ उसके पहले बता देना हमको, तो 2-3 दिन के पहले आप सूचना कर देना कि तैयारियां कर लेंगे और क्या करें। जब ये खबर चारुमती को पता चलती है तो चारुमती दौड़ती हुई जाती है अपने भाई साहब के पास, अपने पिताजी के पास, कि आप किससे पूछ के मेरी शादी तय कर रहे हो। अब वो उसको बोलते हैं कि शादी तो तय करें कि नहीं करें वो तो बाद की बात है, पहले तो तू ये बता कि ये तूने जो है ना इतना बड़ा मैटर नहीं फिर लाया होता ना, ना तो तस्वीर वस्वीर फाड़ी होती, तो आज पहली बात तो ये कांड नहीं होता। अरे अभी तू बोल रही है कि किससे पूछ के शादी कर रहे हो। चारुमती बोलती है कि अभी जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन मुझे इस औरंगजेब से शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, चाहे जो हो जाए। उसके भाई उसको समझाता है
कि देखो ऐसा है, तू शादी नहीं करेगी तो औरंगजेब हट्टे करेगा, हट्टे करेगा, काफ़ी ज़्यादा त्रासदी होगी, वो सामान्य प्रजा की लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे उसके सैनिक। और राजा का पहला कर्तव्य होता है कि वो अपनी जनता की रक्षा करे, उसके बाद अपने परिवार की रक्षा करे। और यदि तेरी अकेले की शादी करने से जनता की रक्षा हो रही है तो हमें ये करना चाहिए, आपको इसमें सपोर्ट भी करना चाहिए। राजकुमारी बोलती है, उसको गुस्सा आ जाता है कि यदि तुम रक्षा नहीं कर सकते तो मैं जनता की रक्षा करूंगी, लेकिन मुझे औरंगजेब से शादी नहीं करनी। क्योंकि औरंगजेब को यार कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक था, एक जलाद इंसान था, वो इंसान थोड़ी था वो कोई, ठीक है ना। उसको सब या तो देखो उसे डरते थे या फिर हीन भावना से उसको देखते थे। अब चारुमति ने बोल तो दिया कि मैं प्रजा की रक्षा करूंगी, लेकिन रक्षा करे कैसे, है ना। औरंगजेब से रक्षा करनी थी, कोई छोटा बच्चा थोड़ी था। तभी उसको याद आता है कि महाराणा राज सिंह ने ऐलान करवा रखा कि किसी भी राजकुमारी के साथ यदि मुगल घृणित व्यवहार करते हैं, कुदृष्टि डालते हैं, तो फिर उसको मैसेज भिजवाया जाए, उसको सूचना जरूर दी जाए। राजकुमारी चारुमति वही करती है, पत्र लिखती है राजा राज सिंह को कि मैं रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमति हूँ और औरंगजेब मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तो जिस प्रकार से जरासंध से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण किया था, उसी प्रकार से आप मुझसे पहले ही शादी करके मेरी रक्षा कीजिए और अपने चरणों की दासी बना लीजिए। मैसेज जाता है किसके पास, महाराणा राज सिंह के पास, जो कि मेवाड़ के राजसमंद के राजा थे उस वक्त। राज सिंह की मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊँ, ठीक है, राज सिंह की कुछ डिटेल्स बताऊँ। तो राज सिंह का जन्म हुआ था सर 24 सितंबर 1629 को और ये राजा बने थे कब, 1652 को। तो 1652 के बाद का ये पूरा का पूरा घटनाक्रम अपन देख रहे हैं अभी। तो राज सिंह के पास वो पत्र जाता है, राज सिंह पूरी की पूरी डिटेल्स निकलवाता है कि साहब देखो देखे वास्तव में ये रूपनगढ़ कहाँ पे है, है ना, इसकी राजकुमारी चारुमति कौन है, कैसे क्या दिखती है, पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो राज सिंह निकलवाता है। अब डिटेल्स निकलवाने के बाद उसको लगता है कि वास्तव में यार ये बोल रही है तो इसे शादी भी कर लेनी चाहिए और इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। वो सबसे पहले तो औरंगजेब को मैसेज भिजवाता है कि देखो भैया औरंगजेब बात ऐसी है कि इस लड़की से तो शादी मैं करूँगा, क्योंकि ये खुद तेरे से शादी नहीं करना चाहती और ये मेरे से शादी करना चाहती है, तो इससे तो शादी मैं करूँगा, अब जो हो जाए तू, है ना, बिना काम अपने निष्फल प्रयास करना छोड़ दे। औरंगजेब ने भी वापस पत्र लिखा कि यार मेरे तो ईगो की बात ही, इसने मेरे पोस्टर वोस्टर फाड़े हैं, मेरा अपना अपमान किया है, गालियाँ दी हैं, तो इससे शादी नहीं करूँगा तो फिर मेरा तो जीना वेट थी। तो अब करीब करीब भैया युद्ध होना तय था, दोनों राजा पीछे हटने को तैयार नहीं थे। राज सिंह ने रूपनगढ़ मैसेज भिजवा दिया, पत्र भिजवा दिया कि इस तारीख को औरंगजेब से पहले पहले मैं शादी करने के लिए आ रहा हूँ, तो साहब पूरी की पूरी तैयारी आप करके रखना, शादी अपन को निपटानी है और कोई दूसरा चारा है नहीं। लेकिन अब चुनौतीपूर्ण कार्य तो ये था कि औरंगजेब की सेना का सामना करना, ठीक है। अब क्या हुआ, राज सिंह चले जाते हैं रूपनगढ़ शादी करने के लिए अजमेर में, और अपने जो भी सैनिक वगैरह थे जो भी, ठीक है, उनको क्या बोल दिया गया था, जो भी उसके सेनापति थे, सामंत थे, सभी को, ठीक है, साथ के जो उसके राजा था उस वक्त काफ़ी अफगान शासकों के साथ इनका अच्छा संबंध था, ठीक है, दुर्गादास राठौड़ उस वक्त इन्हीं के, कहने का मतलब, खास मित्र थे। तो वो सब क्या औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए पहले से जा चुके थे, लेकिन औरंगजेब की सेना की सहायता करने के लिए दिल्ली से और भी सेनाएं आ रही थी, उनको रोकना था। वो दरअसल अजमेर आ रही थी, रूपनगढ़ आ रही थी शादी को रोकने के लिए। अब उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी, मेवाड़ के सेनापति की, और उस वक्त मेवाड़ के सेनापति कौन था, सलूम्बर का सामंत। हाँ, यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, सलूम्बर का सामंत, ठीक है। सलूम्बर की मैं बात करूँ तो सलूम्बर जो है वो वर्तमान में उदयपुर की एक बहुत बड़ी विधानसभा क्षेत्र और बहुत बड़ा शहर भी है, सब कुछ सलूम्बर के बारे में आप नेट के ऊपर देख सकते हो। तो वहाँ का जो सामंत था उसका नाम था उस वक्त रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह चूड़ावत जी को मैसेज भेज दिया गया कि आपको क्या करना है, पत्थर मिला था एक पत्थर उनको, कि आपको क्या करना है कि औरंगजेब की सेना का जो सपोर्ट करने के लिए दूसरी सेनाएं आ रही हैं उनको आपको रोके रखना है अजमेर की ही घाटी में। तो एक प्रकार से पत्र लिखा गया था कि वीरवर आपको क्या करना है कि अजमेर की घाटी में उन सेनाओं को सामना करना है ढाल बनकर, ठीक है, रूपनगढ़ की आपको रक्षा करनी है जब तक कि मैं शादी नहीं कर लूँ, उसके बाद तो मैं अपने हिसाब से देख लूँगा क्या कुछ करना है। क्योंकि यार राज सिंह खुद एक वीरवर राजा थे,
ठीक है, काफ़ी नाम इनका चलता था उस वक्त। लेकिन दुविधा क्या थी वो आप समझिए, दुविधा जिस रात को इनको ये पत्र मिला था उस दिन में रतन सिंह की खुद की शादी हुई थी। उस दिन में क्या हुआ, रतन सिंह की खुद की शादी हुई थी। अब ऐसा पत्र मिला यार, दिन में शादी हुई और उसके तुरंत बाद क्या करना है, नवी नवेली दुल्हन को छोड़ के युद्ध में जाना, तो काफ़ी जटिल काम हो गए इनके लिए, काफ़ी ज़्यादा दुविधा भरा काम रह गया, धर्म संकट में फंस गए यार रतन सिंह चूड़ावत। क्यों, अब एक तरफ तो इनको अपनी पत्नी का मोह सता रहा था और दूसरी तरफ क्या था, अपना कर्तव्य। और आपको बता दूं सलूम्बर वाले अपने कर्तव्य के लिए ही जाने जाते थे, क्योंकि कभी इनके जो दादाजी थे, फोर फादर थे, जो चूड़ा थे, इन्होंने क्या किया था, प्रण लिया था कि अपने सौतेले जो भाई है इनको राजा बनाया था और खुद जो है इनकी रक्षा का प्रण इन्होंने लिया था। तो इन्हीं के कारण फिर तभी से एक जो है वो प्रथा बन गई थी कि सलूम्बर के जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, जो भी चूड़ावत थे, उन्हीं को क्या करना था, सेनापति लगातार बनाया जा रहा था। तो उसी क्रम में रतन सिंह चूड़ावत भी एक नया ही लड़का था, वास्तव में आपको रियलिटी बताऊं तो इनको क्या किया गया था, उस वक्त सेनापति बनाया गया था। हाँ, और इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी बूंदी की एक रानी थी, हाड़ी रानी, ठीक है। उस वक्त क्या था कि बूंदी में हाड़ा चौहानों का शासन था और उनकी जो बेटियां थी या फिर उनकी जो रानियां थी उनको हाड़ी रानियां बोला करते थे। तो बूंदी की जो हाड़ी रानी थी जिसका नाम था सहल कमर, जिसको हाड़ी रानी के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है, सहल कमर से रतन सिंह की शादी हुई थी। दिन में रात को पत्र मिला। जब ये बात सहल कमर को पता चलती है कि मेरे पति को मेवाड़ से युद्ध करने के लिए या फिर रक्षा करने के लिए संदेश आया हुआ है और वो युद्ध में जाने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, तो सहल कमर को बड़ा बुरा लगता है। वो अपने पति को रतन सिंह को समझाती है कि देखो, कभी आपके जो पूर्वज थे इनके बलिदान के कारण आज आपको क्या किया गया है, सेनापति का सामंत का पद मिलता है, और आज यदि आप युद्ध में नहीं गए ना तो फिर आने वाली पीढ़ियां धिक्कारेगी कि हमारे कोई दादा परदादा ऐसा कमज़ोर भी निकल गया था, ऐसा कमज़ोर दिल का भी निकल गया था जो पत्नी के मोह के कारण युद्ध में जाने से रुक गया। तो बहुत कुछ समझाने के बाद, मोटिवेट करने के बाद साहब रतन सिंह मान तो जाता है कि चलो युद्ध में चला जाऊंगा, क्या करें, और फिर है ना नई नवेली पत्नी के सामने फिर इसको बेइज्जत भी नहीं होना था। सुबह घोड़े वोड़े तैयार किए, सारी सेना को अच्छे तरीके से तैयार किया और युद्ध में निकल पड़े। युद्ध में निकलने के पहले सहल कंवर ने अच्छे तरीके से आरती की, इसकी आरती वारती करने के बाद, तिलक विलक निकालने के बाद केसरिया साफा बांध की, क्योंकि राजपूत तो केसरिया साफा बांधते थे, ठीक है, कवच वच पहन के निकल पड़े। काफ़ी बड़ी सेना थी, सेना लेकर निकल पड़े। अब क्या करना था, औरंगजेब की सेना को रोकना था इनको, लेकिन इनका ध्यान तो युद्ध में था कहाँ पे, इनका ध्यान तो इधर लगा हुआ था, नई नवेली शादी हुई थी, ये जाना चाहते नहीं थे, ठीक है। हाँ, विदा लेते समय भी इन्होंने बोला था कि शायद मैं युद्ध से वापस आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ, लेकिन तुम मुझे भूल मत जाना, इस प्रकार की जो है इमोशनल बातें काफ़ी ज़्यादा रानी के साथ इनकी हुई थी, आपको बता होती भी है। राजा चले गए युद्ध में कुछ 6 किलोमीटर गए, फिर से संदेशवाह को भेजते हैं और बोलते हैं कि रानी की खबर लेके आओ और उसको दोबारा से बोलना कि मुझे भूल जाना मत। सैनिक आता है, रानी वापस उसको आश्वस्त करके भेजती है। कुछ टाइम के बाद दोबारा से क्या करता है रतन सिंह, एक संदेशवाह को भेजता है, फिर से वही खबर, दोबारा से रानी आश्वस्त करके भेजती है। लगातार तीसरी बार क्या करते हैं रतन सिंह, एक संदेशवाह को भेजते हैं। संदेशवाहक इस बार पत्र भी लाया था, पत्र में लिखा हुआ था कि मैं दुश्मनों से अच्छे तरीके से लोहा ले रहा हूँ और काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था कि इस बार प्रिय तू क्या करना, एक निशानी भी भेज देना जिससे युद्ध में मेरा मन लगा रहे। अब यार निशानी क्यों मंगा रहा है, युद्ध में मन लगाना तो दिक्कत तो यह है, ये बहुत बड़ी गलती रतन सिंह से हो गई उस वक्त। अब रानी का साहब दिमाग खराब हो गया, यार ये भी बूंदी के हाड़ा राजाओं की राजकुमारी थी। अब उसको याद आता है पूरी अपने कि इसकी एक भुआ थी, ठीक है, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की पत्नी, तो एक बार जसवंत सिंह युद्ध हार कर आ गए थे, तो उसी एक छोटे से रीजन की वजह से क्या हो गया था, इसकी भुआ ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे और जसवंत सिंह को अपना पति मानने से इनकार कर दिया था। तो उसको याद आता था, एक तो मेरी भुआ है जो युद्ध में हारने की वजह से पति को पति मानने से इनकार कर देती है, और एक मेरा पति जो है युद्ध करने से आनाकानी कर रहा है, और उसका जो है वो मन मेरे अंदर ही लगा हुआ है, काफ़ी कुछ वो सोचती है। हालांकि नई नवेली शादी हुई थी, वो पत्र पड़ती है, तो इस बार उसने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसने जो आया था संदेशवाहक, उसका नाम था यदु सिंह।
कुछ इतिहास की किताबों में इसका नाम भी मिलता है, यदु सिंह का भी नाम मिलता है। वो यदु सिंह को बुलाती है कि हे वीरवर सैनिक, मैं अपनी अंतिम निशानी अब तुमको देने जा रही हूँ, इसको तुम अच्छे तरीके से सोने के थाल में रख के और सुहाग चुनर से ढककर सिर्फ राजा को देना, किसी और को मत देना। रानी ने, उस लड़की ने क्या किया, तुरंत अपने कमर से बंधी तलवार को निकाला और तुरंत अपने गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। अलग करके फिर क्या था, यदु सिंह को पहले बोल दिया गया था, उसने समझाया तो था कि ऐसा मत करो, ये तो गलत है, लेकिन रानी कहाँ मानने वाली थी। उसने फिर यदु सिंह ने क्या किया, उस सर को, उस मुंडी को उठाता है, सोने के थाल में रखता है, सुहाग की चुनर से उड़ा के युद्ध मैदान की ओर दौड़ पड़ता है। युद्ध मैदान की ओर दौड़ता है, राजा देखता है यार यदु सिंह ये भागता हुआ क्यों आ रहा है। जब कटे हुए सिर को देखता है तो अब तक तो क्या, फिर रतन सिंह को भी बुद्धि आ गई थी यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन देर भी तो हो गई थी। उसके बाद इतना ज़्यादा उसमें जोश आ जाता है कि इन मुगलों की वजह से आज मेरी पत्नी को बलिदान देना पड़ा है ना, तो इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार का उसमें एक जज्बा, एक जुनून आ गया। उसने जो मुंडी थी, जो सर था, उसके ऊपर जो बाल थे, ठीक है, स्त्री के जो बाल है, तो बालों को यहाँ से गर्दन से दोनों तरफ बांध लेता और क्या भयंकर उस वक्त वो अजमेर की घाटी में लड़ता है। उसका कहने का मतलब, उदाहरण देना, कोई उपमा देना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था कि यार किस चीज़ का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया जाए, क्या भयंकर लड़ता है। और उस वक्त सलुम्बर वालों ने ही औरंगजेब की सेना को, मुगलों को पीट पीट कर वापस दिल्ली भगा दिया था। काल बनकर जिस प्रकार से रतन सिंह बरपा था, वो किसका परिणाम था, वो मेरे विचार से सहल कंवर की इस अद्भुत निशानी और उसी के बलिदान का क्या था, परिणाम था। और हंसी खुशी राज सिंह क्या करते हैं, फिर शादी करके आराम से राजसमंद लौटते हैं, पूरा का पूरा मैटर सुलझता है। फिर ऐसे ही एक बार चारुमती और राज सिंह राजसमंद की पाल के ऊपर बैठे हुए, राज सिंह बताते हैं उसको पूरी की पूरी कहानी कि कैसे हमारी शादी के पहले रतन सिंह ने और सहल कंवर ने अपना बलिदान दिया था, किस प्रकार से अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए दोनों ने अपना बलिदान दिया था। इसीलिए आज इतिहास उनको स्वर्ण पन्नों में गिनता है, उनकी कहानी को याद रखता है, और वास्तव में हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये गौरवमय बात है। तो यार आपको भी इतिहास बनाना है, अपना कुछ अलग से नाम रखना है, तो सबसे पहली चीज़ है अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखें। किसी के पीछे दौड़ते रहोगे, आत्मसम्मान का लॉस करोगे, तो फिर वो संभव नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी है जब अपने आत्मसम्मान को आप बनाए रखोगे, ठीक है, इज्जत की हानि नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, किस मैटर की बात कर रहा हूँ, कि किसके पीछे आप भागते हो, सब कुछ आप समझ चुके हो, दोबारा से उसको एक्सप्लेन मैं करना भी नहीं चाहता। ओके, वीडियो कैसा लगा यार, जो भी चैनल को ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना मेरे राजस्थानी भाई है, या फिर पूरे इंडिया से कोई भी लोग है, ठीक है, हाँ, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए ये जो घटना है ना, वो एक गौरवमय घटना है, ठीक है, हम हिंदुओं के लिए ये एक गौरवमय घटना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट टाइम किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए वो भी मुझे बता दो, और कोई गलती है तो आप शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।